Hello students, good morning. Students, in my previous video we had discussed chapter 1, what, where, how and when in history. Okay, so now we are going to read whatever have been given in this chapter. Okay बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे कि क्या दिया गया है इस चैप्टर में. आगे तो हमने व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट यहाँ तक पढ़ लिया था. चलिए आगे देखते हैं. Where did people live? तो मैंने आपको बताया था कि लोग कहाँ रहते थे, नदियों के बारे में बताया था, उसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में बताया था, ठीक है ना. तो हम लोग ने नेम्स ऑफ द लैंड यहाँ तक हमको पढ़ना है, ठीक है, नेम्स ऑफ द लैंड. ये देखिए, नेम्स ऑफ द लैंड. अब बच्चों, टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री और इंडिया एंड भारत. देखिए कह रहा है, जो दो नाम हम अपने देश के लिए यूज करते हैं वो कौन कौन से हैं, वो हैं इंडिया और भारत, ठीक है. अब द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत. आपको जानकर ये जानकारी रखनी चाहिए कि आपसे कोई पूछे कि जो इंडिया वर्ड है, इंडिया, वो क्यों पड़ा, इंडिया नाम क्यों पड़ा देश का, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो इंडिया वर्ड है वो कहाँ से आया हुआ है. वो इंडस रिवर जो है, जिसको संस्कृत में सिंधु कहते हैं, इंडस रिवर है ना, जो कि पाकिस्तान में बहती है, तो वहाँ से आया. और वो उसको संस्कृत में सिंधु कहते हैं, सिंधु, ठीक है. देखिए आप, तो उसी सिंधु से क्या हुआ बच्चों, ये आपका जो था इंडिया वर्ल्ड पड़ा हुआ है. अब देखिए, क्वेश्चन है आपके लिए कि फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस. आपको अपने एटलस बुक में ग्रीस और जो है ग्रीस नाम का जो कंट्री है उसको ढूंढना है. अब देखिए, द ईरानियंस एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 25 ईयर्स एगो एंड वर फैमिलियर विद द इंडस कॉल्ड इट हिंदोस और द इंडोज एंड द लैंड ऑफ द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया. देखिए बच्चों, जो ग्रीक या ईरान से आए हुए लोग थे, जो कि लगभग 2500 ईयर्स पहले, 2500 साल पहले भारत में आए थे, वो इंडस रिवर यानी सिंधु नदी से बहुत ज़्यादा फैमिलियर थे. उनको सिंधु नदी के बारे में सब कुछ पता था. तो वहाँ पे जो रहते थे, जो सिंधु नदी के आसपास जो लोग रहते थे, वो उसको बच्चों क्या कहते थे, ठीक है, उसको कहते थे हिंदोज या फिर इंडोज, क्लियर है ना. तो अब उस नदी को हो या उस नदी के पास रहने वाले लोगों को हिंदोज या इंडोज कहा जाता था. उस तरह से जहाँ जो उसके आसपास की ज़मीन थी, जो मान लीजिए ये इंडस रिवर है, तो इंडस रिवर के आसपास की जो ज़मीनें हैं, ठीक है, उसको लोग क्या कहते थे, उसको कहते थे भैया जो है इंडिया, ठीक है. तो इंडिया कहते थे, चूँकि सिंधु से मिलकर बना हुआ वर्ड था ये, तो सिंधु के आसपास के लोगों, जो सिंधु नदी के, जो सिंधु नदी को वो लोग हिंदोज कहते थे, और साथ में जो सिंधु नदी के आसपास की जो ज़मीन थी उसको इंडिया कहते थे, ठीक है. अब देखिए, द भारत, ये तो हो गया इंडिया नेम. अब देखिए, द नेम भारत वाज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल. और जो भारत का नाम पड़ा था वो बहुत पुराना है. वो इसका नाम यूज बच्चों होता था ग्रुप, लोगों के एक बहुत बड़े संगठन के लिए, जो कि नॉर्थ वेस्ट में रहते थे. एंड हु आर मेंशन इन द ऋग्वेद. ऋग्वेद में उनके बारे में बात भी की गई है. द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत. संस्कृत के जो शुरुआती कंपोजिशन थे लगभग 3500 ईयर्स अगो, 3500 साल पहले, ठीक है. इट वाज यूज्ड फॉर द कंट्री. बाद में इसको देश के लिए यूज किया जाने लगा. ऐसा माना जाता है कि भारत जो नाम है बच्चों, वो भरत नाम के, जो दुष्यंत के जो पुत्र थे भरत नाम के, जो महान हमारे एंसेस्टर्स कह लीजिए, पूर्वजों से थे, उनके नाम पे पड़ा था भारत. हालांकि यहाँ पर बताया गया है कि बहुत पहले ऋग्वेद में लोगों का जो ग्रुप हुआ करता था, लोगों का जो एक बहुत बड़ा जो गठन हुआ करता था, उनको भारत बोलते थे. बाद में ये पूरे देश के लिए अप्लाई हो गया, पूरे देश को भारत नाम से जाना जाने लगा, ठीक है. अभी चलिए आगे देखते हैं. फाइंड आउट अबाउट द पास्ट. चलिए पास्ट के बारे में पढ़ते हैं. देर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट पास्ट. वन इज सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग एगो. दीज आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट बिकॉज दे वर रिटन बाई हैंड, ठीक है. बच्चों, अगर आप इतिहास को जानना चाहते हैं तो इतिहास को जानने का सबसे अच्छा तरीका है किताबों को पढ़ना, ठीक है. आप किताबों को पढ़िए जो बहुत पहले रखी गई थी. देखिए, जो बहुत पहले लिखी गई किताबें थी उनको मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं. क्या बोलते हैं बच्चों? मैन्यूस्क्रिप्ट. मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है? मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब होता है ऐसी किताबें जो हाथ से लिखी गई हों, ठीक है ना, हैंड रिटन बुक्स. अब देखिए, दिस कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैनू मीनिंग हैंड. लैटिन वर्ड में है मैनू. मैनू का मतलब होता है हाथ. तो हाथ से लिखी हुई किताब को मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते थे. दीज वर यूजली रिटन ऑन पाम लीफ. तो इसको किस चीज से लिखते थे बच्चों? इसको लिखता कहाँ पर था? इसको लिखते थे पाम के लीफ पर, जो पाम ट्री होता है उस पर, उसका जो पत्ती होती थी उस पर लिखते थे हम लोग. या ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज द बर्च, या फिर बर्च नाम का एक पेड़ हुआ करता था, ठीक है.
तो उसका जो बार्क हुआ करता था उस तैयार करते थे उसको, उसके बाद उस पर लिखते थे, ठीक है, बिल्कुल प्लेन करके सपाट करके उस पर लिखाई होती थी। तो इस तरह से मैन्यूस्क्रिप्ट तैयार होता था। ओवर द ईयर्स सालों से क्या हुआ है, मैन्यूस्क्रिप्ट वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट। बहुत सारे ऐसे मैन्यूस्क्रिप्ट हैं जो हस्तलेख हैं जिनको इंसेक्ट कीड़ों ने खा लिया है। सम वर डिस्ट्रॉयड, किन्हीं बहुत सारे ऐसे हैं जो बर्बाद हो गए, खराब हो गए, ठीक है, एंड बट मैंने, लेकिन बहुत सारे सर्वाइव बच गए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए एक पत्तियों पे लिखा हुआ है, आपने देखा होगा पुराने मूवीज़ या सीरियल्स में या फिर किसी धार्मिक जो स्पिरिचुअल सीरियल्स होते हैं कि उसमें पत्तों पर तुलसीदास जी हो गए, या फिर आपको उससे भी पुराने जैसे कि आपको अगर आपने देखा हो रामायण तो वाल्मीकि वगैरह पत्ते पे लिखाई पड़ते हुए आपको दिखाई पड़ते हैं। तो वो मैन्यूस्क्रिप्ट था, यहाँ पे देखिए मैन्यूस्क्रिप्ट है, यहाँ पे ये आपको हाथ से लिखा हुआ है दिखाई पड़ रहा होगा, संस्कृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है। चलिए देखिए, तो बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट आज भी जीवित हैं। अब देखिए, ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स मोनेस्ट्रीज, या टेम्पल्स में मिल जाएंगे आपको, या मोनेस्ट्रीज जहाँ जहाँ पर रहस्य खाना होता है, जहाँ पर चीज़ों को संग्रहालय होता है, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। दीज बुक्स डेल्ट विथ ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस। इस तरह के बहुत सारे आपको किताबों में क्या मिल जाएगा, धार्मिक चीज़ें मिल जाएंगी, या उसके अलावा जीवन को कैसे जीना है वो मिल जाएगा, राजाओं के बारे में मिल जाएगा आपको, दवाओं के बारे में मिल जाएगा, साइंस और विज्ञान के बारे में इन किताबों में देखने को मिलेगा। देखिए इसके अलावा, बिसाइड्स देयर वर एपिक्स, इसके अलावा वहाँ पे महाकाव्य होती थी, पोएम की किताबें हैं, ठीक है, उसमें गीत वगैरह है, नाटक होते थे। मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, बहुत सारे संस्कृत में लिखे गए थे। अदर्स वर इन प्राकृत, उसके अलावा प्राकृत में लिखे गए थे, और तमिल। तो तीन सबसे पुरानी लैंग्वेजेस हैं आपकी, प्राकृत हैं, संस्कृत हैं, पाली हैं, तमिल हैं, इन सब में ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। देखिए, वी कैन ऑल्सो स्टडी इन इंक्रिप्शंस, उसके अलावा हम लोग इंक्रिप्शंस भी पढ़ सकते हैं। इंक्रिप्शंस दीज आर राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड स्पेस सच एज स्टोन और मेटल। देखिए इंस्क्रिप्शंस क्या होता है, इंस्क्रिप्शंस के बारे में जानिए बच्चों, आपने मैन्यूस्क्रिप्ट पढ़ लिया। इंस्क्रिप्शन वो होते हैं, इनको हम लोग कहाँ लिखते थे बच्चों, इनको हम लोग लिखते थे किसी हार्ड सरफेस पे, हार्ड सरफेस जैसे कि किसी पत्थर पे या फिर चट्टानों पे लिखते थे, या फिर किसी स्टोन मेटल पे लिखते थे इनको, तो इनको बोलते थे इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी रीड एंड ओबे देम। बहुत पहले ज़माने में राजा लोग क्या करते थे, ऑर्डर देते थे कि भैया इसको कहीं लिख दीजिए, तो वो लोग मेटल वगैरह पर लिखाई लिखाया करते थे ताकि लोग उसको आसानी से पढ़ सकें। देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस, इसके अलावा और दूसरे भी इंस्क्रिप्शंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है, एज वेल वेयर मैन एंड वुमेन रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड। क्योंकि जो पहले के ज़माने में जो आदमी और या औरत हुआ करते थे, या फिर राजा और रानी हुआ करते थे, वो लोग कुछ भी करते थे तो उसको लिखवाते थे, तो लिखवाते कहाँ थे, उसी मेटल पे या पत्थर पे या चट्टानों पे लिखवा दिया करते थे ताकि वो रिकॉर्ड बना रहे लंबे लंबे समय तक, तो वो मिटे ना। आज भी आप देखिए पुरानी जो गुफाएं वगैरह हैं, वहाँ की जो चट्टाने हैं, पत्थरें हैं, वहाँ पर कुछ ना कुछ दर्ज है, लिखा गया है उसमें, आपको वो इंस्क्रिप्शन वहाँ पर मिल जाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं जहाँ पर लिखा गया है बहुत बहुत पुराने ज़माने के, आप अशोक के लौह स्तंभ देख लीजिए, या फिर आपको बीजापुर का जो गोल गुंबद है वहाँ मिल जाएगा आपको, आपको इस तरह से आप किसी भी टेम्पल पर चले जाइए वहाँ मिल जाएगा, पत्थर पर नक्काशी के लिखा गया, तो इंस्क्रिप्शन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, किंग ऑफन केप्ट रिकॉर्ड ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल। देखिए तो जो राजा लोग हुआ करते थे, वो जीत कहीं पे बैटल या युद्ध हो रहा है तो उसमें जब वो लोग जीतते थे, विक्ट्री प्राप्त करते थे, तो वो लोग लिखवा दिया करते थे, पत्थरों पर लिखवाया करते थे, मेटल्स पर लिखवा दिया करते थे। अब देखिए, कैन यू थिंक, देखिए ये आपको इंस्क्रिप्शन यहाँ पे एक दिखाई पड़ेगा बच्चों, देखिए पत्थर पे किस तरह से ये लिखवाया गया है, देखिए पत्थर पे किस तरह से लिखवाया गया, ये इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। आपने मैन्यूस्क्रिप्ट देख लिया और इंस्क्रिप्शन देख लीजिए। अब देखिए ये इंस्क्रिप्शन कहाँ का है, एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन, ये लगभग 2200 साल पहले इंस्क्रिप्शन है, जो कांधार यानी कि अफगानिस्तान में पाया गया था। ये अशोक नाम का जो एक राजा था उसने लिखवाया था, इसके बारे में आप चैप्टर 8 में पढ़ेंगे, ठीक है। जब भी आप कुछ पढ़ते हैं तो उसको हम लोग स्क्रिप्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट में क्या होता है, लेटर या साइन होता है, और जब भी हम उसको लैंग्वेज के तौर पर यूज करते हैं तो उसे हम लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। तो आप देखिए ये जो लैंग्वेज यहाँ पर लिखी गई है वो कौन सी है, ग्रीक है या फिर अरामिक है, ठीक है, उस एरिया में जो यूज किया जाता था वो लैंग्वेज यहाँ पर लिखी गई है, थोड़ा बहुत इंग्लिश से मिलती हुई दिखाई पड़ती है, ठीक है। चलिए अब कह रहा है, कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेज ऑफ राइटिंग ऑन अ हार्ड सरफेस एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफिकल्टीज। जो हार्ड सरफेस पे उस वक्त लिखाई होती थी बच्चों, उसमें क्या उसके फायदे होते थे, या उसके अलावा उसके क्या नुकसान थे, कठिनाइयाँ क्या क्या थी, वो आपको बताना है। सोचिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आया करते थे। देखिए, देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज इन द पास्ट, उसके अलावा पास्ट में और बहुत सारी चीज़ें थी जो यूज की जाती थी, ठीक है। जैसे कि दोज हु स्टडी दिस ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। देखिए बच्चों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक टर्मोलॉजी आई हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्या है, आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होता है, आर्कियोलॉजिस्ट वो होता है
जो पहले के ज़माने में जो चीज़ें बनाई गई हैं, ठीक है, जो पहले के जो चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ हो पहले की, जो यूज करी जाती थी, जैसे कोई बर्तन हो गया या फिर कोई भी चीज़ें, काफ़ी जितनी भी चीज़ें पहले के ज़माने में, पहले के टाइम में यूज में आती थी, उनकी जो पढ़ाई होती है उनको बोलते हैं आर्कोलॉजी, और उनको पढ़ने वालों को बोलते हैं आर्कोलॉजिस्ट। यानी पास्ट के बारे में, पास्ट में यूज किए जाने वाले जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते थे, सब्जेक्ट्स होते थे, उनको पढ़ने वाले को बोलते हैं हम लोग आर्कोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? आर्कोलॉजिस्ट। अब देखिए, दी दे स्टडी द रिमेन ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक। अब देखिए, जो पत्थर और ईंटों की जो बनी हुई बिल्डिंग होती है, उनकी पढ़ाई करते हैं कौन? आर्कोलॉजिस्ट लोग। उनको पढ़ते हैं, समझते हैं, पेंटिंग्स को पढ़ते हैं, स्कल्पचर्स यानी कि जो उस पर नक्काशियाँ होती हैं उनको पढ़ते हैं। दे आल्सो एक्सप्लोर एंड एग्जर्वेट। उसके अलावा क्या करते हैं वो लोग? जो गड्ढे वगैरह होते हैं सरफेस के अंदर, जो तो उसमें खुदाई उदाई का जो काम करते हैं, जैसे मान लीजिए मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, खुदाई वगैरह का काम जो करते हैं वो भी कौन करता है? आर्कोलॉजिस्ट लोग करते हैं। उसके अंदर धरती के अंदर खोदते हैं, टूल्स औजार मिल जाए, वेपन्स मिलने के लिए, पॉट्स वगैरह ढूंढने के लिए, पैंस, ऑर्नामेंट्स, बर्तन वगैरह, ये सब ढूंढने के लिए ज़मीन के अंदर खुदाई होती है ताकि इतिहास के बारे में मालूम चल सके। तो सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड ऑफ स्टोन। उसके अलावा कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो पत्थरों के बने हुए होते हैं, जो ज़मीन के अंदर खुदाई में मिलते हैं। अदर आप बोन, उसके अलावा देखिए हड्डी भी मिल जाते हैं, बेग्ड क्ले मेटल, चूना वगैरह मिल जाता है या फिर मेटल मिल जाता है ज़मीन के अंदर। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इन प्रिंसिपल सब्सटेंस यूजली सर्वाइविंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि हार्ड यानी किसी कठोर जो है चीज़ों के बने होते हैं, या फिर किसी पत्थर वगैरह के बने होते हैं, बहुत लंबे समय तक टिकाऊ होते हैं वो, ठीक है। तो आप देखिए, आपको यहाँ पे दो चीज़ दिखाई को मिलेगी। एक आपको यहाँ पे देखिए पॉट दिखाई पड़ रहा है, पॉट, उसके अलावा आपको स्टोन दिखाई पड़ रहा है। तो देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। सबसे पहले आप देखेंगे पॉट है, ये देखिए एक पॉट है, या पॉट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी, एक पुराने शहर का पॉट है। ये पॉट्स लाइक दीज वर यूज अबाउट 4700 ईयर्स अगो, लगभग बच्चों 5000 साल पहले। आप इमेजिन करिए, 5000 साल पहले इस तरह के पॉट्स बनाए जाते थे। आप सोचिए कितना उस समय भी तरक्की कर चुके थे लोग, की इस तरह की जो है पॉट्स यानी बर्तन बनाया करते थे यूज करने के लिए। अब देखिए राइट, उसके राइट में आपको क्या मिलेगा? एन ओल्ड सिल्वर कॉइन सच एज दिस वन यूज फ्रॉम अबाउट 25 ईयर्स एगो। देखिए ये कॉइन्स मिल जाएंगे आपको, कॉइन्स हैं जो कि लगभग 2500 साल पहले यूज में आते थे, 2500 साल पहले। तो इतने पुराने पुराने चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, और आप इमेजिन करिए कि इस तरह के लोग कितने जो है डेवलप्ड हुआ करते थे उस टाइम पे। अब देखिए बच्चों, इन व्हाट वेज इज़ द कॉइन डिफरेंट फ्रॉम द वंस वी यूज टुडे। जो कॉइन्स तब के ज़माने में थे जो, और जो कॉइन्स आज के टाइम में है, उनमें क्या डिफरेंस है ये आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, आर्कोलॉजिस्ट जो इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने बोन्स वगैरह, हड्डियों को ढूंढा, जानवरों के हड्डियों को ढूंढा, उसके अलावा चिड़ियों की हड्डियाँ ढूंढी, मछलियों की हड्डियाँ ढूंढी, उसके अलावा इस ये पता लगाने के लिए कि लोग क्या खाते थे उस टाइम पे। तो हड्डियों को ढूंढा गया, ज़मीन से खुदाई में हड्डियाँ मिली, ये मालूम करने के लिए लोग खाते क्या हैं। प्लांट्स रिमेन सर्वाइव फॉर मोर रेयरली। देखिए जो प्लांट्स होते हैं वो ज़रा समय तक सर्वाइव करते हैं। इफ़ सीड्स आर ग्रेन और पीसेस ऑफ वुड हैव बीन बर्नड, दे सर्वाइव इन अ शेयर्ड फॉर्म। कह रहा है अगर उनके जो सीड्स हैं, जो बीज हैं, या फिर जो अनाज हैं, ठीक है, उनको अगर लकड़ियों के रूप में जलाया ना गया होता तो वे बहुत लंबे समय तक आज जीवित रहते, उनसे बहुत कुछ मालूम चल सकता था। डू यू थिंक क्लॉथ इज़ फाउंड फ्रिक्वेंटली बाई आर्कोलॉजिस्ट? क्वेश्चन है आपके लिए, क्या आपको लगता है कि कपड़ों की प्राप्ति होती है? जो इतिहासकार होते हैं, जो ढूंढने वाले होते हैं, क्या उनको कपड़ों की भी मतलब कपड़े भी मिलते हैं उनको खुदाई वगैरह में या नहीं मिलते हैं? तो ये आपको बताना है। अब देखिए हिस्टोरियंस दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट। उसके अलावा जो इतिहासकार होते हैं, जो पास्ट के बारे में पढ़ाई करते हैं, ऑफन यूज द वर्ड सोर्स। वो किस वर्ड का यूज करते हैं? सोर्स वर्ड का यूज करते हैं, स्रोत, टू रेफर द इन्फॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम द मैन्यूस्क्रिप्ट। जो मैन्यूस्क्रिप्ट से जो भी इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है, जो भी हस्तलेख हैं उससे जो भी हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसको क्या बोलते हैं वो लोग? सोर्स बोलते हैं, स्रोत बोलते हैं। इंस्क्रिप्शन, उसके अलावा जो भी इंस्क्रिप्शन से मिलता है हमको, या फिर आर्कोलॉजी, या फिर जो भी हमारा पुरातत्व विभाग है उससे भी जो कुछ मिलता है हमको, उसको क्या बोलते हैं? सोर्स बोलते हैं बच्चों। देखिए वन सोर्स आर फाउंड, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम्स एन एडवेंचर। देखिए जब भी कोई भी चीज़, कोई भी स्रोत मिल जाता है, जैसे मान लीजिए आप खुदाई करने के लिए गए तो आपको वहाँ पे कुछ भी बर्तन मिल गया, कुछ कपड़े मिल गए, तो उसको सोर्स बोलेंगे। और जब एक बार जब सोर्स मिल जाता है तो क्या बन जाता है बच्चों? एडवेंचर बन जाता है, ठीक है। उस पर बहुत उस पर शोध होते हैं, खोज होते हैं, मजा आती है एज वी रिकंस्ट्रक्ट इट बिट बाई बिट, क्योंकि उसको ढूंढने में
धीरे धीरे हम उस पर खोज करते हैं, मालूम करते हैं क्या हुआ था पास्ट में, और ये थोड़ा सा हमको आनंदमयी लगता है, इसमें थोड़ा सा अच्छा लगता है पास्ट में जाने में। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स, इसीलिए जो इतिहासकार हैं या जो पुरातत्व विभाग के लोग हैं जो चीज़ें ढूंढने ढूंढने का काम करते हैं, वो क्या हैं, जासूस की तरह काम करते हैं, जासूसों की तरह काम करते हैं। हु यूज़ ऑल दीज सोर्स लाइक क्लूज टू फाइंड आउट आवर पास्ट, वो क्या करते हैं, इन क्लूज का यूज़ किस लिए करते हैं, इतिहास का पता लगाने के लिए करते हैं, हमारे जो पास्ट में बीत चुका है उसको पता लगाने के लिए करते हैं। ठीक है बच्चों, अब तो बच्चों आगे जो है वन पास्ट और मैनी, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट बुक में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इतना ही आज आपका है। देखिए वर्क क्या है आपका बच्चों, वर्क ये है कि आप लोग नोट्स बनाते चलें, ठीक है, नोट्स कंप्लीट करते चलो। नोट्स क्या क्या बनाना है आपको ये मैं आपको बता दिया हूँ, अब फिर से एक बार नोट्स बना लेंगे। हालांकि नोट्स बनाने से अच्छा है कि आप लोग जब मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगा तो आपको क्वेश्चन आंसर करा दूंगा, एक वीडियो और आएगी अभी उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। अब आपको कुछ एक्टिविटीज़ करनी है, ठीक है, या कुछ चीज़ों की जो टर्मिनोलॉजी है उसको अपने कॉपी में ज़रूर नोट कर लें। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से जो वर्ड, देखिए वर्ड का नाम ही टर्मिनोलॉजी है, तो टर्मिनोलॉजी पढ़ने के लिए आप ज़रूर कर लें क्लियर। जैसे देखिए कुछ यहाँ पे जितने भी आपको यहाँ पे देखिए पिंक कलर से दिए गए हैं, इनको आपको एक्टिविटी ज़रूर करनी है ना, ठीक है, आप लोग करिएगा, सारी एक्टिविटीज़ आप लोग को परफॉर्म करनी है, ये आप लोग का काम है, आप लोग को करना है, ठीक है। उसके अलावा जितने भी वर्ड्स आपको मैंने बताए हैं जो भी इटालियन फॉर्म में हैं, थोड़े से इटालियन फॉर्म में वर्ड लिखे गए हैं, उनको आप लोग ढूंढिए, उनको कॉपी में लिखिए कि उनकी मीनिंग क्या होती है और उनको क्या बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया मैन्यूस्क्रिप्ट बता दिया, आर्कोलॉजिस्ट बता दिया, इंस्क्रिप्शंस बता दिए, ठीक है, तो ये आप चीज़ें ढूंढनी है, सोर्स बता दिया, इन सब चीज़ों को आप लोग लिखिए कॉपी में अपने और ढूंढिए इनकी मीनिंग क्या होती है और ये कहाँ कहाँ रहते हैं, क्या क्या करते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ों के बारे में आपको पूरी नॉलेज करनी है। सो आज के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे हैट।